हनीसा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। तो आज के वीडियो में आपको टाइटल देख के समझ आ ही गया होगा कि अपनी प्योर की जो पोशाक होती है, हैवी पोशाक होती है, जिन पे बहुत ज्यादा वर्क किया होता है, उनकी केयर कैसे करें। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपनी पोशाक जो होती है प्योर की पोशाक, उसका रख रखाव कैसे करें, उसको मेंटेन कैसे रखें कि वो सालों साल तक खराब नहीं हो। प्योर का जो कपड़ा होता है वो कटने लगता है, इस वजह से उसको किस तरीके से उसकी केयर करें कि वो सालों साल तक खराब नहीं हो, जैसे नई होती है वैसी की वैसी रहे, किस बैग में उसको रखें, किस तरीके से उसकी तय करें, वो अपने वीडियो में देखेंगे। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको भी ये वीडियो यूजफुल लगे थोड़ा सा भी तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए देखते हैं वीडियो में पोशाक को कैसे केयर। तो ये पोशाक है, ज्यादा हैवी पोशाक मैंने ली नहीं है, उनको पहले से ही केयर कर रखा है। ये पोशाक है, प्योर की पोशाक है पूरी ही। इस पे जो ये वर्क है, इसके बीच में पहले पेपर लगाएंगे। इस पे ये पेपर लगा देंगे, फिर इसको ऐसे कवर कर देंगे, फिर यहां से फोल्ड कर देंगे। ओके, ऐसे ही इसको फोल्ड करके साइड में रखेंगे। फिर कुर्ती पर, कुर्ती को कैसे कवर करें, कुर्ती को ऐसे से तय करेंगे, इस तरीके से पेपर ले लेंगे, पेपर को ऐसे कवर इक्वल जैसा ना। ये कांच ली है, इस पे ज्यादा वर्क नहीं है, इस वजह से मैंने इस पे पेपर नहीं लगाया है। इसको ऐसे फोल्ड करके ये लीजो, मछली को कुर्ती के अंदर रखेंगे, जिससे कि ये इसका जो वर्क है वो टच नहीं होगा। ये लहंगे कुर्ती मछली का हो गया अपना। अब ले लेते हैं ओढ़ना, अब मेन पार्ट है अपना ओढ़ना। ओढ़ने पे जहां जहां इसका मैंने कर रखा है पहले से ही, ओढ़ने में जहां पे वर्क है वहीं पे पेपर लगाएंगे, सिर्फ इस टाइप से, फिर उसको फोल्ड कर देंगे तरीके से, और फिर ऐसे रख देंगे। इसको रखने के लिए आप ऐसा बैग ले सकते हैं, कपड़े का बैग है ये, ये आपको मार्केट में कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का प्लास्टिक बैग बिल्कुल भी ना ले, पूरा प्लास्टिक बैग ना ले, एक साइड से जो कपड़े का आता है और आगे से प्लास्टिक बैग आते हैं वैसा बैग आप ले सकते हैं, पोशाक बैग। ये इनमें क्या होता है, हवा नहीं जाती है, इस वजह से पोशाक में थोड़ा कटने लगती है प्योर की पोशाक। तो प्योर की पोशाक के लिए मेरा सजेशन यही है कि इस टाइप के बैग बिल्कुल भी ना लें, इस टाइप के ही बैग लें जो पूरे के कपड़े के ही हों। ऐसे रख के एंड फोल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। ये अपनी पोशाक रेडी है, इसको ऐसे कवर करके रखेंगे तो आपकी पोशाक सालों साल तक खराब नहीं होगी। एंड सेकंड जो टाइप है पोशाक को रखने का, वो ऐसा है कि अगर आपके पास इस टाइप के ये वाले बैग तो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं आपको, अगर आपके पास ऐसे वो कपड़े वाले बैग नहीं है तो आप ऐसी ओढ़नी ले सकते हैं, जो भी यूज आ गई हो, कॉटन की ओढ़नी ले लीजिए, उसको ऐसे फोर साइडेड फोल्ड कीजिएगा, ठीक है। फिर उसको फोल्ड करने के बाद में पोशाक को ऐसे रखिएगा, पोशाक को ऐसे रखने के बाद में इसको इस तरीके से फोल्ड करके भी अपनी पोशाक को अपन रख सकते हैं। आप दिखा दें, तो जिनको भी मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा और अगले वीडियो में आपको क्या यूजफुल टिप्स बताऊं। थैंक यू साहब।